नाविक बदहाल बिन मौसम, बरसात से 18 नावें नर्मदा में डूबी। कोरोना के बाद अब बारिश की मार, नाविक परिवारों पर कुदरत की दोहरी मार। ओंकारेश्वर में गुरुवार रात्रि में हुई बरसात नाविकों की नावों पर कहर बनकर टूटी है। बिन मौसम हुई बरसात के कारण नाविकों की नावें भैरू गुफा घाट नर्मदा किनारे पर बंधी 20 नावें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। लगातार होने वाली बारिश के कारण नावों में पानी भर जाने के कारण सभी नावें इंजन सहित गहरे पानी में डूब गई। नाविकों ने शुक्रवार सुबह बारिश रुकते ही अपनी अपनी नावों को ढूंढते हुए दिखाई दिए। नाविकों पर कुदरत की दोहरी मार देखने को मिली है। पहले तो कोरोना वायरस के कारण नाविकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, तो वही बिन मौसम बरसात ने नाविकों की कमर तोड़ दी। ओंकारेश्वर से संवाददाता दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने आके आपके टीवी चैनल के माध्यम से आके हमारा ये सहयोग किया कि हमारी दयनीय स्थिति को देखते हुए आज उजागर करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं नाविक संघ से हूँ। नाविक संघ एक बहुत बड़ा परिवार है जो कि लॉकडाउन के चलते हुए अभी 3 महीने से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से धंधा पानी व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वहीं आज हमारे नाविक भाइयों को ये लॉकडाउन के चलते हुए 3 महीने से घर बैठे हुए हैं। राशन पानी की व्यवस्था तो प्रशासन हमारा लगभग 60% लोगों के लिए कर ही रहा है, फिर ये मौसम की वजह से ये दोहरी मार पड़ी है आज हमारे ऊपर कि आज यहाँ हमारी स्थित नावें जो 3 महीने से खड़ी हुई थी निरंतर, वो रात में तेज बारिश की वजह से आज हमारी 25 से 26 नावें जो है पानी के अंदर चले गई है, डूब गई है। 20 से 25 फीट 50 फीट पानी तक है। हम लोग आज सुबह 5 बजे से पूरी व्यवस्था में लगे हुए अपनी चीज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं सामने बोट दिखाई आप, ये निकल भी चुकी है कुछ बोटें, लेकिन क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी तरह से। मतलब एक मेंटेन देखे हम तो इसमें 10 से 12 हज़ार 14 हज़ार रुपये का एक बोट के अंदर खर्चा है। आपकी मार तो दोहरी है। तीसरी मार ये है कि अभी बारिश की वजह से हमको 4 महीने और बैठना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में पानी का बहाव कम ज़्यादा होता है। इस बीच हमारे नाव संचालन पूरी तरह बंद रहता है। ये नाव तब ये कारण रहा कि रात को बारिश हुई थी और बारिश के बाद डैम से जो है निरंतर कंटिन्यू हार्ड टर्बाइन चला कर पानी पूरा छोड़ा जा रहा है, तो नीचे का जो पानी का दबाव है ऊपर ऊपर से हवा की मार है, इसकी वजह से बहुत दुख। एक परिवार में अगर नाव का ही आकलन लगाऊं मैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च है। यहाँ पे 26 नावें डूबी है आज की तारीख में। और भी घाट है हमारे जहाँ 2-4-10 नावें और भी डूबी हुई है। सारी मोटर बोट है, क्योंकि चप्पू चलित तो आजकल बंद ही हो गया है, जितने भी है मोटर बोट है। और तहसीलदार साहब कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हमें इस मामले कुछ भी जो भी सहायता राशि बने वो देने का कर पाते जी। वैसे मेरा नाम राजेश वर्मा है, नाविक संघ परिवार की ओर से हूँ।